हम यार मोस्टली ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां बंदे हमें तो इग्नोर कर रहे होते हैं, यानी हम अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी साइड से पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं, बट सामने वाला कदर नहीं करता, वो अपने तरीके से हमें ट्रीट करता है। जब दिल किया तो हंसकर बात कर ली, वरना कोई बात नहीं की। और ऐसे में हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम इस सिचुएशन से डील कैसे करें, क्योंकि अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस बंदे को इग्नोर किया जाए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जब पूरा मन बना लेते हैं कि अब इससे दूर रहेंगे, अलग रहेंगे, तो फिर कुछ ऐसा होता है कि हम दोबारा उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। जैसे वो कभी खुद ही मैसेज कर देता है, कभी कॉल आ जाती है, कभी वो सडनली बहुत अच्छे से बात करने लगता है, और फिर हमें अपने अंदर से ही ऐसा लगने लगता है कि आई थिंक सब सही है, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। जबकि यार असल सच्चाई हम देखना ही नहीं चाहते। आप यार जब इतना सब कर रहे होते हो तो पहले अपने भी एफर्ट्स देखा करो, अपनी चीजें भी देखा करो कि आप किसी के लिए कितना कर रहे हो। नहीं मतलब जब उसे नीड होती है तो आप उसके पास अवेलेबल होते हो, पर जब आपको नीड होती है तो कोई नहीं। तो जब वो बंदा आपसे बात करने की कोशिश करता भी है तो पुरानी बातें भूला मत करो। असल में जब हम किसी से दिल से बात करते हैं ना, तो अपने इमोशंस भूल जाते हैं, फिर हम सिर्फ सामने वाले के इमोशंस को ध्यान में रखते हैं और वो हर्ट ना हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए बात बंद हो जाए, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जबकि आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी अभी भी ठीक से बात हो नहीं रही है, यानी जो भी आपकी बात हो रही है वो भी ना के बराबर है। तो यार जब किसी का होना भी आपको खुशी नहीं दे रहा, तो इससे अच्छा तो उसका चले जाना है। क्यों ऐसे किसी शख्स को साथ रखना है जिसका होना या ना होना एक बराबर है? तो भाई सबसे पहली चीज कि जब कोई कदर ना करे तो उसे इग्नोर कैसे करें, इसमें सबसे पहली चीज आपको चाहिए हिम्मत और सेल्फ बिलीफ। क्योंकि जब तक आपको अपनी वैल्यू पता नहीं चलेगी, तब तक सामने वाला आपकी कदर कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि सितारे बनने का शौक होगा बाकी लोगों को, मुझे मेरी चमक का पता है, मुझे सूरज रहने दो। तो भाई आप बस कैंडल यानी मोमबत्ती खरीदने के लिए अपने सूरज को दांव पर मत लगाओ। आपको अपनी कीमत का पूरा अंदाजा होना चाहिए। सोचो जो चीज आप उस शख्स को दे रहे हो जो आपकी कदर नहीं कर रहा, और यही चीज कोई आपको दे, मतलब कोई आपको इसी तरह प्यार से ट्रीट करे, तो भाई आप कहीं ना कहीं उस शख्स को ऑटोमेटिकली पसंद करने लगोगे, क्योंकि आपको पता है यार कि फीलिंग की क्या वैल्यू होती है। और फिर उस शख्स का साथ रहना आपको कभी स्ट्रेस में नहीं रखेगा, क्योंकि अब आप किसी सही इंसान के हाथों में हो, यानी आप बंदे सही हो, बस गलत जगह पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सोचो विराट कोहली अगर सिंगिंग करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते तो कभी इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते? कभी नहीं, क्योंकि जाहिर है वो उनके लिए बना ही नहीं था, उनका एक अलग जोन था और उसमें उन्होंने तरक्की भी की। एग्जैक्ट ऐसे ही आपको खुद की वैल्यू को समझकर सही जगह टाइम लगाना चाहिए। इसके बाद है हर चीज उन लोगों को दिखाना, उनको शो करना, उनके लिए करना, ये सब बंद कर दो। हम यार असल में ज्यादा टॉर्चर इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि हम जानबूझकर अपनी हर एक चीज सिर्फ उनसे कनेक्ट करते हैं। अब आपको मूव ऑन भी होना है, आपको उन्हें इग्नोर भी करना है, और साथ साथ आप हर एक चीज सिर्फ उनके लिए करते हो, अपनी स्टोरी तक आप सिर्फ उनको दिखाने के लिए लगा रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? इसलिए आपको सबसे पहले अपने मूव्स उनसे कनेक्ट करने बंद करने होंगे। इसके बाद कभी वो खुद से मैसेज कर भी देते हैं, कभी वो खुद से बात करने की कोशिश करते भी हैं, तो हद से ज्यादा खुश और हद से ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। रिप्लाई अगर देना है तो बेशक दो, पर सिंपल और शॉर्ट दो। ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा आप एक्साइटेड हो रहे हो और ये चीज उन्हें दिखा भी रहे हो। तो यार ऐसा करना कभी आपके इमोशंस को आपके हाथों में नहीं आने देगा, इसीलिए प्लीज ओवर एक्साइटेड मत होना। इसके बाद कभी उन्हें मैसेज करते भी हो और इग्नोर भी करना है आपको उन्हें, तो जितना टाइम ले सकते हो, जितने टाइम के बाद आपको रिप्लाई देने का मन करे तब दो। यानी वो सडनली मैसेज करने का जो हिसाब किताब है ना, कि तुरंत रिप्लाई देना, बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ उनके कॉल को रिसीव करना, उनके मैसेज को पढ़ना, बात करना, ये सब बंद कर दो। अब जैसे वो आपसे बात कर रहे थे वैसे ही कुछ आपको करना है, यानी मिरर बन जाओ उनका एकदम। आप जितना कम बात करोगे उतना अच्छा होगा। इसके बाद है खुद को एंटरटेन करना आपके हाथों में है। वो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ का पेंट ब्रश सिर्फ आपके पास होता है, आप जैसे रंग करना चाहोगे वैसा रंग कर सकती हो, तो दूसरे के हाथों में अपना पेंट ब्रश मत थमाओ, इसे अपने ही पास रखो। कुछ पॉप सॉन्ग सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग मूवीज देखो, कुछ वीडियोस देखो जो आपको बार बार ये रिमाइंड करवाए कि आप खुद के लिए कितना जरूरी हो। आपको खुद को पहले तवज्जो देनी होगी। ये गिनती के दो चार लोग जो आपको नजरअंदाज करते हैं, ये इतनी बड़ी दुनिया में कुछ मायने नहीं रखते। जो साथ रहेगा इज्जत से रहेगा, और जिसे इज्जत रास नहीं आती वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। अपने को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए यार, टेंशन लो तो बस करियर बनाने की, पैसा कमाने की, जो एक बार सेट हो जाए तो दोबारा बिगड़े ना। लोगों की टेंशन क्या लेनी, इनका तो आए दिन चेंज होने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें वाकई आपको अपने अंदर से हिम्मत देने में मदद करेगी, आप इस वीडियो से अपने आप को खुशी दे पाएंगे।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टा पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। तो जल्दी से आओ और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।